बोगल बॉलीवुड देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की बात करें तो संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्में हैं गंगूबाई और बायजू बावरा। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्में अजय देवगन को ऑफर की गई थी, लेकिन अजय देवगन ने गंगूबाई में कैरेक्टर तो चुन लिया है लेकिन बायजू बावरा फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो संजय लीला भंसाली ने दोनों फिल्में उनको ऑफर की थी लेकिन अजय देवगन को गंगूबाई में जो कैरेक्टर उन्होंने चुना है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा बजाय बायजू बावरा के। वही अगर हम गंगूबाई में उनके कैरेक्टर की बात करें तो वहां गैंगस्टर का कैरेक्टर निभाने वाले हैं अजय देवगन। अब सवाल पैदा होता है बायजू बावरा मूवी का, जो कि दिवाली 2021 में रिलीज होने वाली है, एक म्यूजिकल सागा होने वाली है ये फिल्म। अब सवाल उठता है कि अगर अजय देवगन नहीं है इस फिल्म में तो कौन निभाएगा इस फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर। वेल, इसमें जो नाम सामने आ रहा है वो है रणवीर सिंह का, क्योंकि रिसेंटली रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मुलाकात की है संजय लीला भंसाली के साथ, ऐसी रिपोर्ट्स इसीलिए आ रही हैं। वही सोर्सेस की माने तो दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में नजर आ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो रणवीर सिंह, संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण का ये कॉम्बिनेशन एक बार फिर से हमें सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा, जो कि पद्मावत में भी नजर आया था और ताबड़तोड़ कमाई की थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर। अब देखना यह होगा कि फाइनली ये तीनों एक साथ काम कर पाते हैं या फिर नहीं। वेल, इसके अभी फाइनल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ये तीनों एक बार फिर से दोबारा नजर आए या नहीं, और बायजू बावरा का कैरेक्टर रणवीर सिंह पर कैसा लगेगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए बूगल बॉलीवुड।